हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम ये 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसे काट लिए हैं धुलकर, और ये शिमला मिर्च है। तो आज हम आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाना बताएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम कढ़ाई रख दिए, उसमें 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिए हैं, और अब उसमें हम 1/2 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच के करीब राई डाल देंगे, और 2 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे। चलिए हम इसमें प्याज एक कटी हुई ऐसे पतले में उसे डाल देते हैं। पतला पतला ही प्याज को देखिए हम काटे हैं, और एक ही प्याज है ये। तो जीरा और राई को चटक जाने के बाद प्याज को हम डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही सिंपल सब्ज़ी हम आलू और शिमला मिर्च की आज बना रहे हैं। चलिए अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, और इसे भी हम चला देंगे अच्छे से। अब टमाटर डाल के हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और इसे भी हम चला देंगे। अब यहाँ पे हम आलू को डाल देंगे, जो आलू काटे थे उसे डाल देंगे। आलू थोड़े से मोटे हैं हमारे, तो इन्हें हम पहले हम भून लेंगे टमाटर के साथ ही। इस तरह से आलूओं को भून लेंगे पहले। अब यहाँ पे देख सकते हैं आलू हमारे भून गए हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गया है। तो अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट है इसे डाल देते हैं 1 चम्मच, और इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे, और 1 चम्मच के करीब ये धनिया का पाउडर है इसको डाल देंगे, और मिला देंगे इसे हम इसी में। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। अब इसी के साथ हम यहाँ पे कटी हुई मिर्च को भी डाल देंगे मसाले के साथ, और अब हम सबको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी मटर डाल देंगे, इस तरह से मटर को डाल देंगे। चलिए अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा कलर मिर्ची डाल देते हैं। चलिए अब हम इसको ऐसे ही 2 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर चलाएंगे। अभी पानी हम इसमें नहीं डाले हैं। चलिए सब्जी हमारी देखिए भून गई है, तो हम इसमें 1/2 कप के करीब पानी डाल देंगे। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस 2 मिनट हमें इसे पकाना है। इस तरह से सब्जी को हम रसे वाली या ग्रेवी वाली नहीं बना रहे हैं, हम इसे सूखी सब्जी ही आलू और शिमला मिर्च की बना रहे हैं। तो बस हम मसाले इसमें अच्छे से लग जाएँ, इसलिए हमें 1/2 कप पानी डाल दिए। तो आँच को बिल्कुल स्लो करके हम इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए फ्रेंड्स, सब्जी अब देखिए हमारी हो गई है। तो इसमें हम 1 चम्मच के करीब ये नींबू का रस डाल दे रहे हैं, इससे सब्जी आपकी ये बहुत ही चटपटी बनेगी। तो इसे लास्ट में डालिएगा बस जब हम गैस को बंद करेंगे। तो चलिए अब हम इसे बंद करते हैं, और थोड़ी सी धनिया ऊपर से हम डाल देंगे इसमें, और गैस को अब बंद कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, सब्जी देखिए हमारी आलू और शिमला मिर्च की सूखी सब्ज़ी। इस तरह से एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा फ्रेंड्स इस सब्ज़ी को बनाकर। कोई झंझट नहीं है, थोड़े से मसाले में देखिए चटपटी सब्जी आपकी बिल्कुल तैयार हो गई। इसे आप पराठा, पूड़ी, रोटी किसी भी चीज़ से खाइए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी हमारी आज की अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।